y barrera de para, para de eso. Para de ahí. Para de कलाकार का भी मन जब रहे जब हर एक आदमी की नजर कलाकार के ऊपर हो कैसी हे रहे दमयंती कुंड रैन लाग गई और जब मरते बंद पानी होगी रक्षा शंबर शादी कर दो दमयंती कुंड रैन लाग गई बोलन ते बंद पानी होगी ओ रक्षा शंबर शादी कर दो जावण जोगी ओ साड़ी होगी दमयंती कुंड रैन लाग गई बोलन ते बंद पानी होगी ओ रक्षा शंबर शादी कर दो चाहिए
मान होगा, हर आदमी मानता होगा। आखिरी बात मैं क्या लिखा पंडित जी ने, प्रसंग रहेगा जानी छोड़ कर। हाँ जी, ताली बजा दो जोरदार से। आइए जो जी माता बहनों के पीछे बैठे उनसे विनती, आप यहाँ आ जाओ पीछे, इसमें बैठ जाओ, ये कैमरे वाले के पीछे बैठ जाओ, आप इधर आ जाओ, बड़ी मेहरबानी रही है। हाँ जी भाई, नहीं ओ हेलो भाई, सुनना हो बड़े प्यार तो सुनना। हाँ बड़ी देर तक बोले भाई, अकेला तू नहीं बैठा, बहुत सारे लोग बैठे, शांति का दान दे, जय रागणी नहीं सुनती तो रात खोटी मत कर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और जानी छोड़ के प्रश्न से रागणी रहेगी, थोड़ा सा हवाला देते हुए चलूंगी ताकि आपको रागणी सभी को समझ में आ जाए। जानी छोड़ की रात कहानी बचपन में बहुत सुनी होगी, जानी छोड़ का किस्सा दादा लक्ष्मी ने लिखा है कि एक समय वो जानी चोर, उसका काम था चोरी करना, देवी का वरदान था, चोरी करता और बदले में माता के हिस्से का बेच रहा था कि माता मेरी दया दृष्टि राखी, तेरा हिस्सा तने भी मिलेगा। एक रोज वो जानी चोर अपनी धर्म की बहन का भात लेकर चला। गौर करने की बात रहेगी कि एक बार वो जानी चोर अपनी धर्म की बहन का भात लेकर चला, साथ में उसका यार था। दोनों यार चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचे और नहाने धोने का विचार करा। उस जानी चोर ने वस्त्र धार के धरे नदी के अंदर डुबकी मारी, एक तख्ती हाथ लगी। उस तख्ती के ऊपर लिखा हुआ था कि मैं एक छत्राणी हूँ, मेरा नाम है महक दे, मैं नार महक दे हूँ और अदलिखा पठान ने मुझे अपनी कैद में बंद करके रखा है, मेरा धर्म बदलवाना चाहता है, मुझसे शादी करना चाहता है। जब कोई छतरी जाम पैदा हुआ हो तो अदली खाती कैद से मेरे को छुड़ा के लेके जाता। इतनी बात तख्ती के ऊपर जानी चोर ने पढ़ी, अपनी बहन का बात अपने यार के हाथ ले जा कहने लगा कि मैं रिहाई कराऊंगा इस नार महक देगी। अदली खां पठान की नगरी में आ गया, जानी चोर चोरी करनी शुरू करी, धन इकट्ठा करना शुरू करा, चारों ओर रुका मचा और तख्ती लिख दी अदली खां के नाम रे, देख अदली खां तेरे अंदर जितने ताकत हो जितनी हिम्मत हो लगा लिए, नार महक देखिए रिहाई करण खातर आया हूँ, रिहाई करा कर लेके जाऊंगा। अदली खां ने
तलवार दरबार में रखा दी कि भाई जो भी जानी चोर ने पकड़ने का दम रखता हो तो इस नंगी तलवार को उठा के इस बेटे को उठाए और जानी चोर को मेरे आगे हाजिर करे। दरोगा ने सजनों बेड़ा उठाया, नंगी तलवार उठाई, कहने लगा महाराज मैं लेके आऊंगा जानी चोर ने। पहरेदारी बढ़ा दी चारों तरफ दरोगा ने। जानी चोर सोचन लगा कि इतनी पहरेदारी में तो तू पकड़ा जाएगा, कुछ से करा जा, निकला कैसे जा। तो जानी चोर ने श्रृंगार का डब्बा उठाया, सोना श्रृंगार करे, साड़ी बांधी, लुगाई का रूप धर लिया। जानी चोर ने बताया जब शिष्य में लिखाया तो जानी चोर भी गस खा गया, यूं सोचने लग गया कि मैं हूं कितने गजब की लुगाई बनाया हो जानी चोर कि हर किसी मानस का मन डोल जाए उसके ऊपर। और आधी रात ने गज का घूंघट कर लिया जानी चोर ने, छुम छुम करता उसी रोड पर चल गया जिस पर दरोगा गश्त पर खड़ा था। दरोगा के आगे थे ठंडी ठंडी हवा चल रही, आधी रात का पैर हो लिया और सजनों खड़े खड़े बोर हो गया वो दरोगा। और जैसे ही जानी चोर ने दो चार कदम छुम छुम करके उस दरोगा के आगे तक निकले, छाती पर सांप से लोटे दरोगा के, यूं सोचन लगे इतनी सुथरी लुगाई आधी रात में क्या कर रहे हैं। मन डोल गया दरोगा का जानी चोर के ऊपर, जानी चोर ने घूंघट कर रखा, कहने लगा रे जाने वाले रुक, कितने कहते जानी के पैर थम गए। सोचन लगे ये फंस लिया, फंस गए तो गया, मेरा काम बन गया। लुगाई की आवाज में बोला भाई हाँ बोल के बात। बोला क्यों बता, तेरी तो इतनी सुथरी, एक तो तू लुगाई, दूसरी तो इतनी सुथरी और तीसरी तू आधी रात में घर तो बाहर घूमे, तेरी वो अच्छा जमाना नहीं है, बेराना रात ने किसी किसी चोर उचक कर बावली, तेरी तो बोली भी इतनी गजब की है कि मेरा तो सीने में दिल भी नहीं रहा। और जानी चोर की बड़ाई कर रहा था जो लुगाई के रूप में था अदली दरोगा, और कैसे क्या कहना था पंडित जी ने क्या लिख दिया भाई सुन के देखियो। श्रृंगार रस का गाने रागनी आज भी लिखे जाए जो भाई भाई बैठकर नहीं सुन सकते, पुराने कवि जिनके आज भी लोगों को चाहत है श्रृंगार रस की रागनी है, पर रागनी में बोल इसे चाहे बाप बेटी बैठकर सुन लो, ध्यान में सुनने की बात रहेगी। और दरोगा क्या कहने लगे आप जुड़ लुगाई के उस जानी ने, जैसे हाँ जी नीतू नाई, नीतू के नीतू नीटू नाई भाई, नीटू नाई झाड़ली से जहाँ कहीं भी अगर आवाज सुन रहा हो भाई वो आके साड़ी में भाई से जिसने ब्लैक कपड़े पहन रखे इससे मिल लो भाई। हाँ जी हो सकता है कोई कोई घर का संदेश आया हो।
बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।